हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार एवं सभी का आज से केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो कल अपने टॉपिक स्टार्ट किया था केमिस्ट्री फर्स्ट के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लेसन नंबर 8 है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है, जनरल परिचय अपन ने कर दिया था। तो आज अपन देखते हैं डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला पॉइंट अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कल मैंने आपको बताया थी कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनकी चार श्रेणियां होती है, 3D प्रथम संकरण श्रेणी, द्वितीय संकरण श्रेणी, तृतीय संकरण श्रेणी और चतुर्थ संकरण श्रेणी। अपने सिलेबस के अंदर जो दे रखा है वो दे रखा है प्रथम संकरण श्रेणी के तत्व। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी के तत्व को अपने आते हैं स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक, ये जो तत्व आते हैं ये आते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के अंदर। तो आज अपन जो स्कैंडियम 21 से जो जिंक 30 तक के तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तो अपने टेबल बनाते हैं। तो ये तो है अपने तत्व, इधर तो ले लेते हैं तत्व, लेते हैं क्रमांक यानी परमाणु क्रमांक। ठीक है, और ये अपना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो तत्व है सबसे पहला अपना स्कैंडियम, एससी, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, सीयू और जिंक हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने तत्व हो गए अपने? 10। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक है 21, टाइटेनियम का है 22, वैनेडियम का है 23, क्रोमियम का है 24, मैग्नीज का है 25, आयरन का है 26, कोबाल्ट का है 27, निकल का है 28, कॉपर का है 29 और जिंक का है अपना 30। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं स्कैंडियम का, तो कैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 3p6। अब देखते हैं, एक तो आता है अपना 3d एरो को होता है 4s2, तो कितने हो गए अपने? 2 2 4 6 10 12 18 2 20। और अब अपना आता है स्कैंडियम 21, तो कहां पर आएगा? d1 में। ठीक, अब d1 में एक तो आता है अपना 3d, एक होता है 4s। अब जिसकी ऊर्जा कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, तो 3d और 4s में किसकी ऊर्जा कम है उसका निर्धारण करते हैं। अपने 11th में हमने पढ़ा होगा n+l नियम, इन मुख्य क्वांटम संख्या और द्विमिसी क्वांटम संख्या का योग जिसका न्यूनतम होता है, कम होता है, उसकी ऊर्जा कम होती है। तो 3d के लिए n+l का मान, 3d के लिए n का मान कितना है? 3, और l का मान कितना है? 2, कितने हो गए? 5। 4s के लिए n का मान कितना है? 4, और l का मान कितना है? 0, तो कितना होगा? 4। तो 3d और 4s, तो 4s ऊर्जा कम होने की वजह से पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाते हैं, फिर भरे जाते हैं d में। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास अपना, ये उत्कृष्ट गैस विन्यास, ये कितने किसका है? उत्कृष्ट गैस में 2 4 10 12 18, यहां पर आर्गन 18 है। कौन सा उत्कृष्ट गैस विन्यास शुरू हो जाता है? आर्गन। इसको अपन यहां से भी लिख सकते हैं, आर्गन 18 3d1 4s2। ठीक है, इस प्रकार अपन टाइटेनियम का शुरू करें, तो टाइटेनियम का कहां से हो जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आर्गन 18 से, उत्कृष्ट गैस आर्गन 18, 3d2
फोर एस टू, ठीक है। वेनेडियम में आर्गन 18, 3D3, 4S2, ठीक है। क्रोमियम में देखना आर्गन 18, 3D आना चाहिए था 4S2, परंतु ऐसा नहीं होता है, यहां पर आएगा 3D5, 4S1, ठीक है। यह नियम चलता आपने लेंथ पढ़ेगा, अर्ध भरे पूर्ण भरे कक्षों का स्थायित्व, यदि किसी कक्षों को आधा भरने में पूरा भरने में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको आधा पूरा ही भरो, ताकि उसकी ऊर्जा उससे ज्यादा ही क्यों ना हो, ठीक है। तो यहां पर आने वाले इलेक्ट्रॉन 4s की ऊर्जा कम है, 3d की ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन 4s के बजाय किसमें जाता है, डी में, क्योंकि यहां पर अपना इलेक्ट्रॉन आता है d4, तो इसको आधा भरने में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन एस में ले जाकर फोर एस में न जाकर किस में जाता है, डी में, ताकि वो आधा भर जाता है, वो ज्यादा स्थायी होता है। इसे बोलते हैं अर्ध भरे पूर्ण भरे कक्षों की स्थायित्व की नियम के अनुसार कि आने वाले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, D5 4s1 में। तो यहां थोड़ा अपन को ध्यान रखना। आगे अपना Mn का 3 आर्गन 18 3d5 4s2 आने वाले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एस में। Fe का आर्गन 18 3d6 4s2 कोबाल्ट 27 में देखिए आर्गन 18 3d7 4s2 निकिल 28 में आर्गन 18 3d8 4s2 कॉपर 29 के अंदर आर्गन 18 3d9 आना चाहिए था, अपन तो कहेगा 3d10 4s1 आना चाहिए क्या था, 3d9, परंतु वही आधा भर पूर्ण भरे कक्षों की स्थायित्व के नियम के अनुसार आने वाले इलेक्ट्रॉन में जाता है डी में, ताकि डी पूरा भर जाए, ठीक है। इसलिए डी में कितना हो जाएगा 10 और एस में कितना रहेगा 1। अंतिम चिन्ह है अपना आर्गन 18 3d10 4s2। इस प्रकार जो अपनी ये इलेक्ट्रॉन न्यास है, यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पर दो पॉइंट अपने को ध्यान रखने होंगे, एक तो क्रोमियम का, एक कॉपर का। यहाँ पर आने वाले इलेक्ट्रॉन एस की तुलना में किस में जाता है, डी में, जो किस नियम के अनुसार जाता है, वो है अपना अर्ध भरे पूर्ण भरे कक्षों के स्थायित्व के नियम के अनुसार, ठीक है। तो ये तो था अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्रथम संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब तो अपने पास इलेक्ट्रॉन विन्यास है, इसके आधार पर हम दे सकते हैं, अपन ने देखे नहीं संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्या नाम दिया इनको, संक्रमण तत्व, ठीक है। और उनके अपने परिभाषा कल मैंने आप बताई, वे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनकी परमाणु अवस्था या मूल अवस्था या आयनिक अवस्था में डी कक्षक कैसा हो, अपूर्ण, डी कक्षक कैसा हो, अपूर्ण हो, या डी कक्षक पूरा भरा नहीं हो, वे तत्व क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व, ठीक है। तब देखिए अपना पहला तत्व तो स्कैंडियम, इसका डी कक्षक कैसा है, डी में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन, डी कक्षक पूरा भरा हुआ नहीं है, अतः संक्रमण तत्व है। इस प्रकार टाइटेनियम में देखिए डी में तो डी कक्षक पूरा भरा हुआ नहीं है, सभी में देखे तो D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, ये सभी तत्वों में डी कक्षक ऐसा है पूरा भरा हुआ नहीं है, क्योंकि मूल अवस्था में आयनिक अवस्था में डी कक्षक पूरा भरा नहीं होता है, इसलिए संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और उसमें एक तत्व मैंने आपको बताया था कौन, जिंक 30, क्यों, इसकी मूल अवस्था और आयनिक अवस्था में डी कक्षक ऐसा होता है पूरा भरा हुआ होता है। अगर इसके आयनिक की बात करें अपन Zn2+, तो Zn2+ में दो इलेक्ट्रॉन हटाएगा तो इसमें एस के दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, फिर भी डी में कितने बचते हैं, 3d10, कितने बचते हैं, 3d10 इलेक्ट्रॉन न्यास बचने की वजह से इसकी आयनिक अवस्था में भी डी कक्षक ऐसा होता है पूर्ण भरा होता है, इसलिए संक्रमण तत्व नहीं कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि कॉपर की मूल अवस्था में d10d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर भी संक्रमण तत्व कहलाता है, उसका कारण क्या है कि कॉपर प्लस 1 और कॉपर 2+ कंडीशन में जब प्रदर्शित करेगा तो कॉपर प्लस 1 में तो एस से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो डी में कितने बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, परंतु जैसे ही कॉपर 2+ की बात करेंगे तो कॉपर 2+ के अंदर ये निकलने वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा डी से और डी में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3d9 डी में 9 इलेक्ट्रॉन
जो है शेष वैधानिक वजह से इसका जो ठीक है को अपूर्ण हो जाता है शेष संक्रमण श्रेणी तत्व के अंदर आ जाता है। ये तो अपना जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का, बाकी कल।